न्यूज और मैं हूं आपके साथ भी। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जिला सिवनी के साईपुरम के साई मंदिर में चार दिवसीय साई उत्सव का कार्यक्रम 19 जनवरी से 22 जनवरी को समापन हुआ, जिसमें विगत दिवस को इस आयोजन में साई भक्तों की हजारों की संख्या में भीड़ देखी गई। इस आयोजन का दिनांक 22 जनवरी को मुख्य रूप से जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह और सिवनी विधायक दिनेश राय सहित पूर्व विधायक नरेश दिवाकर और अन्य गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। इस आयोजन में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जो स्कूल जैक एंड जेल और अनुश्री एकेडमी की तरफ से किया गया था, और बाहर के सभी कई गायकों ने अपनी प्रस्तुति दी थी, जिनका समापन कल पुलिस वाला पत्रिका के सिवनी ब्यूरो संदीप ठाकुर की तरफ से मोमेंटो से जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह के हाथों से कराया गया। और पुलिस वाला पत्रिका सिवनी की तरफ से साई उत्सव समिति ट्रस्ट को भी शांतिपूर्वक 16 वर्षों से ऐसे आयोजन करने के लिए शील्ड प्रदान की गई। इस आयोजन स्थल में भव्य भंडारा भी रखा गया था। भंडारा स्थल को देखकर कलेक्टर सर को यहां देखने को मिला कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। भंडारे के लिए पत्तल प्लास्टिक नहीं बल्कि पत्ते का उपयोग किया गया और जगह जगह डस्टबिन रखे गए थे। साथ ही पत्तल डालने के लिए एक गड्ढा बनवाया गया था, जिसमें खाने के बाद पत्तल डाली गई। ये सब कलेक्टर प्रवीण सिंह ने देखा तो सराहा भी, और मंच से कलेक्टर ने उपस्थित जनता से अपील की कि आप सभी अगर ऐसे आयोजन करते हैं तो ऐसे ही सफाई का ध्यान रखें, जिसमें साफ स्वच्छ सिवनी बन सके। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है।